एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का अपने सौतेले पिता के साथ रहता था। उसके पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे। क्या रे, कोई काम नहीं किया जाता तेरे से, बैठा बैठा खाता रहता है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का। जा गाड़ी लेकर शहर जा और उसकी सर्विस करा के वापस ले आइयो। रवि वहां से निकलता है। वो गाड़ी लेकर शहर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर गुजरना होता है। रवि जंगल में जा रहा था तभी उसकी गाड़ी के आगे बिजली चमकने लगती है। रवि काफी ज्यादा डर जाता है। अरे बाप रे, ये कौन सी बला है, आज तो मैं गया। उसकी गाड़ी के आगे एक शैतान प्रकट होता है। वो बहुत बड़ा शैतान था। ए लड़के, तू कौन सी डिबिया में बैठा है रे, ये डिबिया मुझे दे दे, ये डिबिया मुझे दे दे। वो शैतान जीप की तरफ बढ़ता है और जीप को उठा लेता है, फिर उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। रवि भी उसी जीप के साथ आसमान की तरफ चला जाता है। वो जीप शैतान लोक में जाकर गिरती है। रवि जीप से बाहर निकलता है तो देखता है वहां चारों तरफ आग फैली हुई थी। वो एक डरावनी जगह थी। रवि वहां से आगे बढ़ता है। आगे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पिंजरे में बंद था। रवि उस आदमी के पास जाता है। कौन हो भाई तुम, यहाँ क्या अपनी भुर्जी बनवाने आए हो? क्या मूर्खों वाली बात करते हो चचा, मुझे शौक नहीं है भुर्जी बनवाने का, वो तो उस शैतान ने मुझे उठाकर यहाँ फेंक दिया। अरे तुम्हारी सिचुएशन तो कतई हमरे जैसी है, हमें भी उस शैतान ने उठा के यहाँ फेंका था। क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? हाँ निकल तो सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस पिंजरे से बाहर निकालो। रवि उस आदमी को पिंजरे से बाहर निकालता है। सुनो बच्चा, हमें यहाँ से थोड़ी दूर जाना होगा, वहाँ पे एक जादुई दरवाजा है जहाँ से हम पृथ्वी पे जा सकते हैं। दोनों रवि की जीप की तरफ जाते हैं। दोनों जीप पे बैठते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन ये क्या, जीप के पहियों में आग लग जाती है और वो जीप हवा में उड़ने लगती है। अब वो जीप फायर जीप बन चुकी थी। तभी पीछे से वो शैतान उड़ता हुआ आ रहा था। रुक जाओ इंसान के बच्चे, अभी तुम्हारी भुर्जी बनानी है, भुर्जी बनने के बाद तुम दोनों चले जाना यहाँ से सीधा नरक में। जब तक वो शैतान उन्हें पकड़ पाता, उनकी जीप जादुई दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और वो जीप शैतान लोक से बाहर चली जाती है। वो फायर जीप उनके गांव में उतरती है। रवि का पिता जब जीप को चलते हुए देखता है तो क्या रे, ये कैसी सर्विस करा लाए, पूरी गाड़ी को ही रॉकेट बना रखा है। तो रवि उन्हें पूरी बात बताता है। फिर सब लोग जीप में बैठ जाते हैं और वो जीप उड़ने लगती है। तभी वो शैतान वापस से उनकी जीप के आगे प्रकट होता है। ए लड़के, तू बहुत होशियार है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये डिबिया मुझे दे दे, ये डिबिया मुझे दे दे। अचानक से वो जीप और शैतान वहां से गायब हो जाते हैं। सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं, वो जमीन पे गिरते हैं। अरे ये कौन सा भूत था, बच गए रे। तो अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू।